झारखंड सिक्योरिटी कर्मचारी संघ ने समानता कंपनी और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। एक लंबे समय से निष्कासित सिक्योरिटी कर्मचारी फिर से अपनी बहाली के लिए मंत्रियों के चौखट पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन उनकी मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आश्वासन दिया था कि मांगे पूरी कर दी जाएगी, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई। देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिस स्वास्थ्य विभाग का है, रांची सदर अस्पताल और जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से जो 155 सुरक्षा कर्मियों को 2019 में हटाया गया था, और 2019 से आज तक आश्वासन ही मिलता गया, ठीक है। उसके बाद आज का सबसे बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि जब स्वास्थ्य मंत्री जी आदरणीय बन्ना गुप्ता जी को जब सारी जानकारी सबूत के साथ दे दिया गया, फिर अभी तक कार्रवाई उन्होंने एजेंसी पर क्यों नहीं की है? जो एजेंसी को सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है, समानता सिक्योरिटी एजेंसी, वो इतना चढ़ गया है कि अभी सदर अस्पताल में कुछ पुराने सुरक्षाकर्मी या हम लोग जाते हैं तो कुछ लोग वहाँ है जो मैंने मारपीट का बात करता है, और मंत्री जी जब बोले कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे तो अभी तक फिर कार्रवाई क्यों नहीं की? एक तरफ बोलते हैं कि अभी किसी को बहाल नहीं कर, हम चाहते हैं कि वो समानता सिक्योरिटी एजेंसी से हम लोग की कोई पुराना ये कुछ नहीं है, जो पुराने लोग हैं उसको काम में रखा जाए, और नहीं तो जो ऑडियो वायरल हुआ है, जो उसका सबूत दिया गया है, उस पर मंत्री जी कार्रवाई करें। मंत्री जी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और यहाँ तक कि जो एजेंसी का जो मालिक है उसका कहना है कि मंत्री से लेके आप लोग मुख्यमंत्री तक चले जाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम काम मेरा इसी तरह। एजेंसी का मालिक है, कौन कौन सी एजेंसी है? देखिए, समानता सिक्योरिटी एजेंसी है, उसका मालिक का नाम तारकेश्वर सिंह है। मुख्यमंत्री तक आप लोग पहुँचे? मुख्यमंत्री जी के पास हम लोगों ने 5 तारीख को उनका OSD को आवेदन दिए हैं। OSD साहब बोले हैं कि मुख्यमंत्री तक ये बात हम पहुंचा देंगे, और अगर वैसा होगा तो आप लोग दो। मंत्री के द्वारा पहले क्या कुछ आश्वासन मिला था? मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, वो तो कभी कभी ऐसा आश्वासन दिए कि लगता था कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन 3-3.5 साल से आश्वासन, केवल आश्वासन, आज तक कहीं पर वो पहल नहीं किए। अगर कहते हैं, सुनने में आया है, कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जब तक नहीं कहेंगे हम नहीं कर पाएंगे, तो वो मंत्री हैं, कैबिनेट में एक साथ बैठते हैं, जब चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं बात करते हैं? कई बार बोले हैं, बोला देखते हैं बाबू, तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। क्या परिचय हुआ आपका? गुप्ता ने कहा था कि उस समानता एजेंसी जो है, सिक्योरिटी एजेंसी, उसे ठप किया जाए, बंद किया जाए, 24 घंटे भी वो बंद नहीं रहा। 24 घंटे क्या मैडम, 1 घंटे तक उस पर कुछ नहीं हुआ, 1 घंटे के लिए भी उसको बुलाता, कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब कुछ तो बात है, तब कार्रवाई नहीं हो रही। और नीति जी का ये भी कहना है कि कागजी तौर पे आप लोग बहुत कमज़ोर हैं, आप लोग जो दावा कर रहे हैं वो गलत है। तो फिर आप 3.5 साल से क्यों बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे कि हो जाएगा आपका काम? पहले ही क्यों नहीं बोले कि आपका कागजी जो दावा है वो कमज़ोर है, आप लोग जाइए दूसरा काम कीजिए, भटकते रहिए? बोलना चाहिए ना मंत्री जी को, गरीब के साथ खिलवाड़ करने में अच्छा लगता है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी को। अब क्या करेंगे? अब ये महीना के बाद अंतिम डिसीजन हम लोग का लिया गया है, कुछ बड़ा होगा, अभी उसको सार्वजनिक करते हैं तो हम लोग पर FIR होगा, इसलिए सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन देखेगा पूरा झारखंड, देखेगा कि जब झारखंड की जब आदिवासी जब एकजुट हो जाता है और जो ठान लेता है वो करके दिखाता है, पूरा झारखंड देखेगा, अभी चुनाव का समय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोबिन अंसारी है, हम संघ के अध्यक्ष हैं।